नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी जो आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन मिलता है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकें। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो पर्सन लेके आता हूँ जो आपकी आने वाले पटवार और राजस्थान पुलिस के एग्जाम में जनरल साइंस से रिलेटेड इन्हीं वीडियो में से रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप पर शेयर जरूर कीजिएगा, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। दोस्तों, किसी प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे कि उस समस्या का समाधान किया जा सके। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इसका आंसर होगा साइकस। जो साइकस है वह एक क्या है? जीवित जीवाश्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जो श्वसन मूल है वह किस पौधे में पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा जूसिया में। तो जूसिया पौधा होता है उसमें पाई जाती है श्वसन मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? जो साबूदाना है वह किससे प्राप्त किया जाता है? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा साइकस से। जो साइकस होता है उसी से प्राप्त किया जाता है साबूदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो कौन नहीं है जड़ एक? तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा आलू। आलू होता है वह सोलानेसी कुल का होता है और यह एक क्या नहीं है? जड़ नहीं है। आलू क्या है? एक तने का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ मूल होती है? जो स्तंभ मूल है वह क्या होती है? तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा अपस्थानिक जड़े। जो स्तंभ मूल है वह होती है अपस्थानिक जड़े होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासर्व तरंगे मनुष्य के द्वारा सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती है? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा नहीं सुनी जाती है। जो प्रासरवे तरंगे होती हैं वह मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जाती है। और प्रासरवे तरंगों की आवृत्ति क्या होती है इनकी? इनकी होती है 20,000 Hz से अधिक होती है, यानी कि 20,000 Hz से अधिक होती है, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो कितना होता है इसका आवर्तकाल? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा 24 घंटे। जो भूस्थिर उपग्रह होता है उसका आवर्तकाल होता है 24 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासरवित तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो प्रासरवित तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा 20,000 Hz से अधिक। तो आवृत्ति के आधार पर तरंगे कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है, एक तो सर्व तरंगे होती है, एक प्रासर्व तरंगे होती है, एक असर्व तरंगे होती है। प्रासर्व तरंगों की तो आवृत्ति होती है 20,000 Hz से अधिक होती है, और सर्वे की होती है कितनी होती है? सर्वे की 20 से 20,000 Hz तक होती है। और असर्वित तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 Hz से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति की इकाई क्या है? जो आवृत्ति है उसकी इकाई क्या होती है? तो क्या होती है उसकी इकाई? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा हर्ट्ज या Hz। तो हर्ट्ज होती है आवृत्ति की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो चीनी का भार क्या होता है? जो 1 किलो चीनी उसका भार कितना क्या होता है?
तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा, जो 1 किलो चीनी है उसका भार सर्वाधिक होगा समुद्र तल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और परमाणु के नाभिक पर सामूहिक रूप से कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर किसका मात्रक है? तो किसका मात्रक है एम्पियर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का। जो विद्युत धारा है उसका मात्रक है एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर, विद्युत धारा का होता है एम्पियर मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? तो किसका होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टेशियंस, जो क्रिस्टेशियंस है शरीर रचना के वर्गीकरण में। सॉरी दोस्तों, शरीर रचना के क्रिस्टेशियंस वर्गीकरण में लोबेस्टर संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो कौन से पौधों में होती है? तो इसका आंसर होगा चना एवं अन्य दलहन में। जो चना एवं अन्य दलहन होती है उनके पौधों में होती है नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? जो विद्युत परिपथ है उसमें फ्यूज का क्या क्या कार्य होता है? तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत परिपथ की रक्षा करना। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कार्य होता है जो विद्युत परिपथ की क्या करता है? रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ें किस भाग से विकसित होती है? जो जड़ें होती है वह किस भाग से विकसित होती है? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा मूलांकुर से। तो जड़ें मूलांकुर से विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर एक प्रकार से क्या है? जो गाजर है वह एक प्रकार से क्या है? तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा जड़ है। गाजर एक जड़ का रूपांतरित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा परकंद। तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा परकंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो यह है तने का परिवर्तित रूप है प्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है और 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा औसत वोल्टेज। तो घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट वोल्ट पर की जाती है, तो 220 वोल्ट औसत वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा तूफान का। तो जो बेरोमीटर में पारे का तल एकाएक या अचानक गिरना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रदर्शित करता है तूफान का, कि आंधी और तूफान आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में
पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बढ़ता है। जब कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है। तो 80 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में समय लेगा। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मिनट से अधिक लेगा, क्योंकि 90 से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे होने में 10 मिनट ले रहा है। तो 80 से 70 तक ठंडा होने में 10 मिनट से अधिक ही समय लेगा, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस तो पहले ठंडा हो चुका है, तो उसके ऊपर वो ठंडे की परत छा जाती है। इस कारण 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस में ठंडा होने में 10 डिग्री कम होने में उसे 10 मिनट से अधिक समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा उनका परिणामी शून्य हो सकता है। दो वेक्टर जिनका मान अलग हो उनका परिणामी क्या होगा? शून्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पानी का तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर पाली नहीं है, पानी है, तो पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा वही रहेगा। तो पत्थरों से भरी एक नाव नदी में तैरती है, यदि उस पत्थरों को नदी के पानी में गिर देते हैं तो पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जो चिकित्सा शास्त्र है उसका जनक कौन है? तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। जो हिप्पोक्रेटस है वही है चिकित्सा शास्त्र के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो किसका मात्रक है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा ज्योतिप्लेक्स का। तो ल्यूमेन ज्योतिप्लेक्स का क्या होता है? मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या प्रतीत करेगा? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा फट जाएगा। जब हाइड्रोजन गैस से भरा एक गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो गुब्बारा अचानक से क्या हो जाएगा? फट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। जब एक लिफ्ट एक समान ही वेग से ऊपर की ओर जाती है तो उसमें स्थित व्यक्ति के भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि एक लिफ्ट अचानक से ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसमें बैठे व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और स्पीड से अगर अनियंत्रित गति से ऊपर की ओर जाते हैं तो उसका भार बढ़ जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक लिफ्ट की डोरी एकदम से अचानक से काट दी जाए तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है, ऐसा क्यों होता है? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव के कारण। तो पृष्ठीय तनाव के कारण ही लालटेन में बत्ती में मिट्टी का तेल
बराबर ऊपर की ओर चढ़ता है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 जनरल साइंस के राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन थे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप पर शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।